पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि फंक्शंस को काउंट कैसे करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो फंक्शन जो कि हम एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन करते हैं वो सेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब सेट्स की काउंटिंग, सेट कैसे हो सकते हैं, सेट भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फाइनाइट, इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो हम सेट्स को क्लासीफाई करते हैं। सेट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो हम कह सकते हैं कि सेट्स कैसे हो सकते हैं, फाइनाइट, और एक और बात अगर हम कहना चाहें तो दूसरे तरीके की, इनफाइनाइट। तो दो टाइप के सेट्स के मैच बात करेंगे, और ये भी कि ये काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझने के लिए पहले हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनको जानना है। तो पहले वो जानते हैं और फिर डेफिनेशन पर आएंगे। कौन कौन से, एक तो एन और एक एस एन, ये क्या होता है, ये कैपिटल एन ये किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। एन कोई अगर नंबर है तो फिर अगला एन प्लस वन एंड सो ऑन आगे भी चलता रहेगा, कोई एंडिंग थोड़ी है, इन्फिनाइट है। तो ये है नेचुरल नंबर्स। एस एन क्या होता है, इसको कहते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब कि अगर नेचुरल नंबर्स है इसके हम कोई भी सेगमेंट उठाते जाएं, सेगमेंट मतलब पार्ट उठाते जाएं, तो क्या बनता जाएगा, वो एस एन बनता जाएगा। जैसे कि अगर हम एस फोर बदले तो एन की पहले चार नंबर उठा लो, 1, 2, 3, 4, तो ये क्या बन गया, एस फोर बन गया इनिशियल सेगमेंट, कोई भी इनिशियल सेगमेंट है एन की। ऐसे अगर हम बोले एस 25, तो कहां से खाते नंबर आएंगे, 1, 2 एंड सो ऑन टिल 25। इसका मतलब एस एन क्या बन जाएगा, एस एन मतलब 1, 2 सो ऑन टिल एन, जहां पे एन पर आके नंबर रुक जाए उसे कहते हैं एन, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करे, नेचुरल नंबर्स की कोई भी सेगमेंट। अब इसका क्या मतलब है, हमने ये बात क्यों करी, अभी तो ये भी तो नेचुरल नंबर्स ही हैं, पर फर्क क्या है, ये कैसे है इनएग्जॉस्टिव, क्या इनका कहीं पे एंड है, नहीं है, तो ये कैसे है इनएग्जॉस्टिव, यानी कि चलते जाएंगे। और अगर हम इनिशियल सेगमेंट की बात करें तो ये कैसी है, एग्जॉस्ट करिए ना, तो ये कैसी है, एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्ट करिए। जैसे एस 25 पे रुक रहा है, इसके आगे नहीं जाएगा, पर इसका भी लास्ट एलिमेंट पता है, नहीं पता। अगर एस 4 है, 4 पे रुक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, पर इसका भी लास्ट एलिमेंट पता है, नहीं पता। तो बस यही डिफरेंस है। इस डिफरेंस से ये सेट कैसे बन जाते हैं, ये सेट बन जाता है फाइनाइट और ये बन जाता है इनफिनाइट। फाइनाइट और इनफिनाइट इस सेट से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फाइनाइट मतलब जिसमें कितने एलिमेंट्स हो, जिनको हम गिन सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, वो एक एलिमेंट पर आकर रुक जाए, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होएगा। पर क्या हम इसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि एक एलिमेंट पर रुक रहा है, सपोज मैं बोलती हूँ 2000 सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो आप उससे बड़ा बता सकते हो, आप बोलोगे 2 लाख। मैं बोलूँ कि अच्छा 9 करोड़ सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो आप उससे बड़ा बता सकते हो, 10 करोड़ एंड सो ऑन, कोई कहीं पर रुकेगा, तो काउंटिंग गोज ऑन, तो इसका लास्ट नंबर आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो इसलिए इनएग्जॉस्टिव और इसलिए इनफाइनाइट हो गया, जिसका हम लास्ट नंबर डिफाइन नहीं कर सकते, और ये एग्जॉस्टिव एंड हेंस फाइनाइट। तो इसको क्या कहते हैं, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका नेचुरल नंबर, ये हम आगे यूज करें। अब देखो ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट से ना आपको दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम इस पूरे चैप्टर में और इसके क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो समझ में आ जाएगी। सेट्स ना दो टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल भी दिया नेचुरल नंबर और एस एन का, एक हो सकता है फाइनाइट और एक हो सकता है इनफिनाइट। अब उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब जो फाइनाइट सेट है वो हमेशा काउंटेबल होता है, पर इनफिनाइट सेट काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं, उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो काउंटेबल का मतलब क्या है यहाँ पे, काउंटेबल मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम लेबल कर सकें। पहले काउंटेबल की एक लेमन लैंग्वेज देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। तो काउंटेबल कैसे देखते हैं, काउंटेबल मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम लेबल कर सकें। सिर्फ एक काउंटेबल सेट की बात करते हैं, ये क्या है, S6, ठीक है। अब इसको हम लेबल कर सकते हैं, 1 के बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2 के बाद कौन सा आ रहा है, 3 के बाद कौन सा आ रहा है, 4 फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम लेबल कर पा रहे हैं, यानी कि ये कैसा है, काउंटेबल है। और कहीं पर जाके रुके या ना रुके उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि हम इसको लेबल कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट को अलग से पहचान सकते हैं कि उसके बाद क्या आएगा, यानी कि उसका सक्सेसर डिफाइन कर सकते हैं या फिर प्रेडिसेसर डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो सेट कैसा है, काउंटेबल है। ये सक्सेसर डिफाइन करो, प्रेडिसेसर डिफाइन करो, या फिर क्या कहते हैं उसे हम लेबल कर सकते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, इन सब बातों से हमें देखते हुए चल जाते हैं कि सेट कैसा है, काउंटेबल है। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं।
अब हम एक सेट को काउंटेबल कब कहते हैं, जब या तो नेचुरल नंबर के साथ कोई बाइजेक्शन में हो या फिर उसके किसी सबसेट के साथ हो। अब इसका मतलब समझते हैं, बाइजेक्शन का क्या मतलब है। बाइजेक्शन मतलब अगर हम ए से नेचुरल नंबर्स पर कोई फंक्शन ड्रॉ करें, कोई मैप बनाएं, तो वो कैसा होना चाहिए, 1-1 एंड ऑन 2। अगर 1-1 हो तो हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव है। अगर ऑन 2 हो अगर फंक्शन तो हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव है। और अगर दोनों हो तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। यानी कि अगर ए से नेचुरल नंबर पर कोई भी बाइजेक्शन मिल गया, 1-1 ऑन 2 मैप मिल गया, तो हम क्या कहेंगे कि ए कैसा सेट है, काउंटेबल सेट है। अब जरूरी है कि वो नेचुरल नंबर भी हो, उसके किसी सबसेट पे भी हो सकती है। और उसका सबसेट यानी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इनिशियल सेगमेंट की। यानी कि अगर एफ से किसी एस एन पर भी बाइजेक्शन मिल जाए तो उस सेट को कैसे कहते हैं, काउंटेबल कहते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर काउंटेबल है। तो अगर हम किसी भी सेट को नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन दिखा दें तो वो सेट भी क्या बन जाएगा, काउंटेबल बन जाएगा। नेचुरल नंबर क्यों काउंटेबल है, अभी देखा था हमने, एक सेट लिया था जो कि 1, 2, 3, 4, 5 जा रहा था, ये हमने देखा था कि काउंटेबल है। अगर सपोज ये रुके ही ना, अगर ये नेचुरल नंबर के इक्वल बन जाए, 6, 4, कभी रुके ही ना, चलता जाए, तो भी तो हम इनको लेबल कर सकते हैं। 1 के बाद कौन सा आ रहा है, 2, 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 10 के बाद 11, हर एलिमेंट को लेबल कर सकते हैं। हर एलिमेंट का सक्सेसर और प्रीडिसेसर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये सेट कैसा है, काउंटेबल है। यानी कि नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। और एक रिजल्ट है कि अगर हम किसी भी सेट को किसी भी काउंटेबल सेट के साथ बाइजेक्शन में दिखा दें तो वो क्या बन जाता है, काउंटेबल सेट। एंड दिस इज द डेफिनेशन। तो अब इसका एग्जांपल कंसीडर करने के लिए हमें पहले एक रिजल्ट देखना पड़ेगा, और वो रिजल्ट क्या कहता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हम काउंटेबल सेट्स लें और उनका यूनियन करते जाएं तो जो सेट आएगा ना बड़े वाला, वो भी काउंटेबल होगा। यानी कि काउंटेबल सेट्स का अगर हम यूनियन करें काउंटेबल टाइम्स यानी कि उसको गिन सकें, एक सेट का, दो सेट का, तीन सेट का, उनका यूनियन करें तो जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, काउंटेबल बनेगा। ठीक है, इसी बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम एक सेट लें ए, 1, 2, 3, एक सेट लें बी, 4, 5, 6, एक सेट लें सी, 7, 8, 9, सो ऑन। ठीक है, तो हम ऐसे सेट्स ले रहे हैं, इनका यूनियन करते हैं, कितने सेट हैं, 3 सेट हैं, यूनियन करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। क्या ये सारे नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया, बन गया। तो ए काउंटेबल था, बी काउंटेबल था, सी काउंटेबल था, इसलिए अपने आप ही जो उसका यूनियन है वो भी क्या आ गया, काउंटेबल आ गया। तो ये क्या हो गया, इसमें बचा था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। इसमें एक चीज है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, काउंटेबल यूनियन। अगर यूनियन अनकाउंटेबल हो जाए तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। नाउ लेट्स रिकॉल, countable union of countable sets is countable. We can check the examples. If A and B are countable sets, then A union B is countable. And n times, if we take this any different sets that are countable, their union will also be countable. And also, Cartesian product of countable sets is countable. If we take finite Cartesian product, we are just talking about finite. अगर हम finite Cartesian product लेंगे तो वो countable होगा. कुछ examples देखते हैं अगले page पर. तो कॉमन एग्जांपल देखते हैं, अगर ए एक सेट है और वो काउंटेबल है तो ए क्रॉस ए भी काउंटेबल होगा, एन टाइम्स भी अगर हम ए क्रॉस ए करते रहेंगे तो वो काउंटेबल होगा। इसी को हम नेचुरल नंबर पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं, ये भी कैसा होता है, काउंटेबल होता है। कैसे प्रूव करेंगे, फिर से एक बाइजेक्शन ड्रॉ करेंगे। बाइजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, क्यू से कहाँ पर, नेचुरल नंबर पर, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है तो नेचुरल नंबर पे नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर पर होगा। करके देखते हैं, एफ ऑफ पी बाई क्यू क्या आ जाए, पी कॉमा क्यू टाइप का ऑर्डर पेयर। ये फंक्शन बना लिया, फंक्शन कुछ भी बना सकते हैं। फंक्शन को सबसे आसान तरीके से बनाने का तरीका है कि इस सेट में से एक इस टाइप का एलिमेंट उठा लो और इस सेट में जिस टाइप का एलिमेंट होगा वो उठा के यहाँ पे लिख दो, ये एक फंक्शन। अब हमें बस क्या शो करना है कि फंक्शन कैसा है, 1-1 ऑन 2, और फिर हम ये प्रूव कर पाएंगे कि क्यू कैसा सेट है, काउंटेबल है, क्योंकि ये बाइजेक्शन होगी तो काउंटेबल बन जाएगा। अब 1-1 ऑन 2 प्रूव करना है, तो 1-1 मतलब अगर हम एफ ऑफ कोई एक एलिमेंट x और y लेते हैं, x लेते हैं p by q और y लेते हैं p1 by q1।
हम लेते हैं f of x is equal to f of y. इसका मतलब p by q is equal to p1 by q1. इसका मतलब x is equal to y. तो clearly आ गया. इससे पहले हम एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते थे इसकी वैल्यू क्या है. p comma q है, यानी कि p comma q is equal to p1 comma q1. इससे क्या बच चलता है, ऑर्डर पे कब इक्वल होता है, जब इंडिविजुअल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि p p1 के इक्वल है और q q1 के इक्वल है. इसका मतलब इनको डिवाइड भी करेंगे तो इनकी रेशियो कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी. इसलिए x और y कैसे हो गए, इक्वल. इससे क्या पता चलता है कि फंक्शन कैसा है, वन वन है. ऐसे ही हमें फंक्शन को ऑन टू शो करना है. ऑन टू के लिए तो डेफिनेशन ही काफी है. ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है, ऑन टू कैसे शो करते हैं. ऑन टू के लिए तो हमें बस इतना शो करना होता है कि देयर एग्जिस्ट p by q belongs to domain, यानी कि natural number, for all y belongs to natural number cross natural number. और y किस फॉर्म का आएगा, y is equal to p comma q फॉर्म का कोई एलिमेंट, such that f of p by q is equal to y for all y belong to codomain. यानी कि codomain का अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो उसके लिए हमें एक प्री इमेज मिल जाए p by q टाइप की, जो कहाँ से आ रही है, पहले सेट से, यानी कि रैशनल नंबर के सेट से आ रही है. तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हमारे पास इस टाइप फॉरवर्ड पेयर है तो उसको हम डिवाइड करके लिख देंगे तो हमें हमेशा रैशनल नंबर एक मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पी और क्यू कैसे हैं, दोनों इंटीजर्स हैं और दोनों जीरो नहीं है. कैसे पता है बात, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर एक इंटीजर होता है और क्या इनमें जीरो आता है, नहीं आता. यानी कि हमेशा हमें इस टाइप का एक पेयर मिल पाएगा, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू भी होगा. और क्योंकि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है, इससे क्या पता चलता है कि क्यू कैसे सेट हो गया, काउंटेबल सेट. देयरफॉर Q is countable. आपको countable set की definition तो समझ में आ गई होगी. अब हमें क्या पता है, जो कि हमने पहले flow chart में भी देखा था, कि countable set कितने types के, या तो वो finite हो सकते हैं या फिर वो infinite हो सकते हैं. अगर वो finite हो तो किसके साथ bijection बनाएंगे, तो bijection बनाएंगे SN के साथ, यानी कि natural number के एक segment के साथ. अगर वो infinite हो तो किसके साथ bijection बनाएंगे, नेचुरल नंबर के साथ या फिर इसके किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो दो टाइम हो या फिर कितने भी टपल ले लो, n क्रॉस n या जितने मर्जी टाइम्स, तो वो इनफिनाइट टाइप का सेट होगा. तो अब हम इसी को यूज करके बहुत सारे सेट्स को जब हम क्वेश्चंस करेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल शो करेंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट अनकाउंटेबल पर.